मध्य प्रदेश युवा सेवा की बड़ी खबर आ रही है, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा का थामा दामन। दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया आखिर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ही लिए सदस्यता। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा व मध्य प्रदेश के प्रभारी व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धि के हाथों के लिए सदस्यता के साथ प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा भी मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा का दामन पकड़ लिया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को, कि उन्होंने मुझे अपने परिवार में आमंत्रित किया, एक स्थान दिया। मेरे जीवन में दो तारीखें बहुत महत्वपूर्ण रही। व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जो व्यक्ति के जीवन को बदल के रख लेते हैं, और मेरे जीवन में वो दो दिवस, पहला दिवस 30 सितंबर 2001, जिस दिन मैंने अपने पूज्य पिताजी को खोया, एक जीवन बदलने का दिवस था मेरे लिए। और उसी के साथ दूसरी तारीख 10 मार्च 2020, जो उनकी 75वीं वर्षगांठ थी, जहां जीवन में एक नई परिकल्पना, एक नया मोड़ का सामना करके एक निर्णय मैंने लिया है। जो आज स्थिति उत्पन्न हुई है, मैं ये कह सकता हूं विश्वास के साथ कि जनसेवा का लक्ष्य की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पा रही है। और इसके अतिरिक्त वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है, वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी। और व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी आनंद और प्रसन्नता का दिन है। आज मुझे श्रद्धेय राजमाता जी की याद आ रही है। वो भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख बेटे बेटियों की मां थी। बचपन से उनका स्नेह और प्यार हम जैसे भारतीय जनता पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को मिलता था। वो स्नेह, आत्मीयता और प्रेम की प्रतिमूर्ति थी, और भारतीय जनसंघ के काम को देश, विशेषकर मध्य प्रदेश में स्थापित करने में उनका अतुलनीय योगदान था। आज उनके पोते श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए हैं। कांग्रेस में अगर कोई लोकप्रिय था तो महाराज ही थे, तो इसलिए हम कहते थे माफ करो महाराज, दूसरे का तो कोई नाम ही नहीं था। तो सर महाराज को आपने बुला लिया। महाराज और शिवराज।